हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दिव्यांगजन यानी हैंडीकैप लोगों को कैसे लोन मिलता है, कहां से वो प्राप्त करेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या नियम शर्तें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि सब इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कुछ नियम शर्तें हैं जो दिव्यांगजन कानून में ऐड किया गया था 2016 अमेंडमेंट में। तो दोस्तों, बारे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बता देते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका पॉइंट नंबर 1 में पर्पस, यानी दोस्तों आपका उद्देश्य क्या है, ये आपको वहां पर डिस्क्राइब करना होगा। आपको फॉर्म में आप जब अप्लाई करने जाओगे तो आपको डिस्क्राइब करना होगा किस उद्देश्य से आप अपना लोन लेना चाहते हो, तो आप किस किस पर्पस से ले सकते हो, उसका उल्लेख यहाँ पे कर दिया गया है। जैसे आप स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द इनकम जनरेशन और हेल्पिंग PWD इन देयर ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट। सो फ्रेंड्स, आप लोग को इनकम जनरेशन के लिए चाहिए या फिर किसी दिव्यांगजन के उत्थान के लिए आपको लोन चाहिए तो उसके लिए आपको मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों परसुइंग हायर एजुकेशन, यानी दोस्तों आप क्लास 12 पास कर लिए हैं, उसके बाद आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, जैसे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, PG करना चाहते हो या फिर किसी प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो जो कि आपका UGC AICTC उसके बाद ICAR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो। सो फ्रेंड्स, उस केस में आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद परसुइंग वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट, जैसे आपका ITI डिप्लोमा हो गया तो इस प्रकार के कुछ करना चाहते हो तो वहां पर भी आपको लोन मिल जाएगा। अब अगला पॉइंट है दोस्तों परचेज एंड फॉर फिटमेंट ऑफ एनी SET डिवाइस, यानी दोस्तों आप किसी प्रकार का कुछ मशीन खरीदना चाहते हो, जैसे आपका कोई मोटर हो गया या फिर कोई व्हीकल्स हो गया, यानी आप किसी प्रकार का वाहन खरीदना चाहते हो, सो फ्रेंड उस केस में भी आपको लोन मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आ गया आपका ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों क्या है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू असिस्ट द नीडी डिसेबल पर्सन बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन फॉर इकोनॉमिक एंड ओवरऑल एम्पावरमेंट। तो उद्देश्य इसका है दोस्तों यही है, ऐसे दिव्यांगजन जो बहुत ही गरीब वर्ग से आते हैं और किसी प्रकार कोई उनके पास आय का सोर्स नहीं रहता है, तो उन लोगों के उत्थान के लिए ये स्कीम स्टार्ट हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपका योग्यता क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों एनी इंडियन सिटीजन विद 40% और मोर डिसेबिलिटी एज डिफाइंड इन PWD एक्ट 2016 और इट्स अमेंडमेंट। सो फ्रेंड, वैसे दिव्यांगजन जो भारतीय है और उनका 40% या 40% से अधिक ऑफ डिसेबिलिटी है तो उस केस में उन लोगों को लोन मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एज अबव 18 ईयर्स, सो फ्रेंड्स आपका एज है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। इन केस ऑफ पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन, अगर आप दिमागी विकलांग है तो उस केस में आपका 14 साल भी अगर एज है, आपका उम्र है 14 साल, तो उस केस में आपको लोन मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो द एज क्राइटेरिया वुड नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन लोन के केस में आपको एज का क्राइटेरिया नहीं चाहिए। एज सर्टिफिकेट इशूड बाई कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट एज मेंशन इन क्लास 10 सर्टिफिकेट। सो फ्रेंड्स, आप लोग का एज जो है वो कैलकुलेशन कहाँ पर होगा, तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो उस केस में आपका एज को कैलकुलेट वहां से किया जाएगा। अब दोस्तों डायरेक्टली हम आते हैं क्या परसेंट ऑफ लोन है, कितना लोन लेंगे, उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात है, 0 से लेकर 50,000 के बीच में अगर आप लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 2% लगेगा, और उसके बाद इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मार्जिन, सो इंप्लीमेंट जो भी एजेंसी लेगा उसको अपना मार्जिन रखता है। तो फ्रेंड्स इसको जोड़ लीजिएगा, तो 3 और 2 5, तो फ्रेंड आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 5% के दर पर लगेगा अगर आप 50,000 तक लोन लेते हो। अब दोस्तों 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में लेते हो तो उस केस में दोस्तों आपको टोटल 6% का इंटरेस्ट देना होगा। उसके बाद दोस्तों 5 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में लेते हो तो 7% की दर से आपको देना होगा। उसके बाद 15 लाख से 30 लाख के बीच में लेते हो तो 8% की दर से लोन आपको अदा करना होगा। और सबसे लास्ट में आपका 30 लाख से 50 लाख के बीच में अगर लोन लेते हो तो आपको 9% की दर से ब्याज अदा करना होगा। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ एक नोट करने वाली बात है, ए रिबेट ऑफ 1% इन इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू वुमेन। सो फ्रेंड, जो दिव्यांगजन महिला श्रेणी में आते हैं, जो महिला दिव्यांगजन है, उन लोगों को 1% का छूट मिलेगा मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। विथ डिसेबिलिटी पर्सन विथ डिसेबिलिटी अदर देन OH, सो फ्रेंड OH कैटेगरी के अलावा, यानी आपका VH हो गया,
HH हो गया या MD, तो ऐसे दिव्यांगजन महिला जो VH, HH या MD में आते हैं, तो उन लोगों को अगर आप 50,000 तक लोन लेते हो वैसे महिला, तो उन लोगों को आपको 1% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये कौन देगा, तो NHFDC, याद रखिएगा दोस्तों, NHFDC ये आपको लोन देने का संस्था है, यही से आपको दिव्यांगजन का लोन मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमाउंट ऑफ लोन, तो द अपर लिमिट टू एक्सटेंड कंसेशनल क्रेडिट थ्रू वेरियस NHFDC स्कीम वुड बी 50 लाख पर बेनिफिशियरी यूनिट। सो फ्रेंड, जो सबसे अधिकतम लिमिट है वो आपको 50 लाख है, यानी एक दिव्यांगजन 50 लाख तक लोन ले सकता है, ठीक है। द एक्चुअल लोन अमाउंट विद इन द अपर लिमिट ऑफ 50 लाख शैल बी डिटरमाइंड बाई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ एक्टिविटी प्रोजेक्ट बींग फंडेड एज वेल एज रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर विद इन मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यह बोला जा रहा है, अगर वैसे लोग जो 50 लाख या उससे ऊपर भी लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, लेकिन वहां पर आपको NHDFC संस्था है वो आपको जांच करेगा कि आप इसको कैसे अदा कर सकते हो। सो फ्रेंड, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 50 लाख से ऊपर भी लेना चाहता है तो उस आधार पर आपको देखेगा, आपका कैपेसिटी देखेगा कि आप इसको अदा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे छठा पॉइंट में टाइप ऑफ लोन, यानी किस टाइप का आपको लोन मिलेगा। तो नेचर ऑफ लोन कुड बी टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द लोन बीइंग सैंक्शन बाय अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो फ्रेंड्स, ये कुछ लोन के प्रकार है, टर्म लोन है आपका, वर्किंग कैपिटल है यानी आपका किसी प्रकार कोई काम करते हो तो उस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, उसके बाद प्रोमोटर यानी कोई कंपनी आपको बोल देता है कि आप फाइनेंशियल आपको लोन चाहिए आपको कुछ प्रकार का, तो उस केस में भी आपको लोन मिल जाएगा, ठीक। तो 2-3 प्रकार का लोन यहाँ पर है, तो जैसी आपको जरूरत है उस प्रकार का लोन आपको मिलेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी आप कैसे उसको अदा करते हो, क्या आपकी अवधि रहेगी, किस अंतराल में आपको पूरा पूरी लोन चुकता करना होगा बैंक को। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, SCA वुड बी एट लिबर्टी टू डिसाइड एक्टिविटी वाइज। सो फ्रेंड्स, आपका देखा जाएगा वहां पर कि आपका एक्टिविटी कैसा है, केस वाइज रिपेमेंट शेड्यूल, आप हर महीने जो आपको शेड्यूल बताया जाए कि इस डेट में आपको करना है जमा, तो आप वो करते हो या नहीं करते हो, तो विद इन ओवरऑल लिमिट ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डी इम्बर्समेंट ऑफ लोन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि 10 साल आपके पास 10 साल का समय है, तो 10 साल के अंदर आप इसको लोन को अदा कर सकते हो। अब अगला आता है दोस्तों नंबर 8 में, प्री पेमेंट। सो फ्रेंड्स, प्री पेमेंट में क्या है कि आप किसी भी समय आप अपना लोन अदा कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, यानी बैंक आपको लोन देगा तो किस आधार पर देगा, यानी आपके नाम पे कोई जमीन है या नहीं, या फिर आपके नाम पर कुछ ऐसा कुछ है जिस आधार पर आपको बैंक चेक करेगा कि आप सुरक्षा के तौर पर क्या गारंटी लेगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये सारा कुछ यहाँ मेंशन कर दिया गया है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 पे देखते हैं, तो प्रोसीड्योर फॉर ऑब्टेनिंग लोन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इज टू बी सबमिटेड टू द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर सैंक्शन ऑफ लोन एज पर प्रोसीड्योर एंड जनरल टर्म एंड कंडीशन एज लेड डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई नेशनल हैंडीकैप फिनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, नेशनल हैंडीकैप फिनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHFDC, यही दोस्तों संस्था है जो आपको लोन देगी एट ए कंसेशनल रेट। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों, राइट ऑफ NHFDC इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट डिसीजन ऑफ CMD NHFDC विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। सो फ्रेंड्स, आपको लोन देना है या नहीं देना है ये पूरा पूरी वहां के CMD डिसाइड करेंगे या फिर NHDC डिसाइड करेगा और वही फाइनल होगा। सो फ्रेंड्स, यही कंप्लीट वीडियो था, आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।